नमः शिवाय हरि हरि भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरि हरि भोले नमः शिवाय। तो एक बार बोलिए प्रेम से शिव जी की जय, माता पार्वती की जय। आइए भक्तों, आज जानते हैं 22 जुलाई से शुरू होगा सावन महीना। भोले शंकर को खुश करने के लिए जरूर करें ये 5 उपाय। सावन का महीना इस बार 22 जुलाई से शुरू हो रहा है और इसका समापन 19 अगस्त 2024 को होगा। भगवान शिव को यह महीना बेहद प्रिय है। कहा जाता है कि इस महीने में भगवान शिव पृथ्वी पर अपने ससुराल आते हैं और भक्तों को सभी संकटों को दूर करते हैं। इस पवित्र महीना में भक्तगण भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए पूजा, जलाभिषेक, विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन करते हैं। इस महीने को मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला माना गया है। आइए जानते हैं सावन में कौन कौन से काम किए जाते हैं। पहला, सावन में भगवान शिव का जल, पंचामृत आदि से अभिषेक करना शुभ माना जाता है। इस दौरान शिव जी की प्रिय चीजें जैसे धतूरा, भांग और भस्म उन्हें अर्पित करना चाहिए। मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करना श्रेष्ठ माना जाता है, जिससे शिव जी की पूजा शीघ्र स्वीकार होती है। दूसरा, सावन सोमवार व्रत। सावन सोमवार का दिन विशेष माना जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए और अविवाहित लड़कियों अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति के लिए व्रत रखती है। इससे धन, सुख और समृद्धि में वृद्धि होती है तथा सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। तीसरा, हरे रंग का इस्तेमाल करना। सावन में वर्षा ऋतु के कारण प्रकृतिक हरे रंग से ढकी रहती है। हरे रंग को सुहागन का प्रतीक भी माना गया है। मान्यता है कि सावन में हरे रंग की चूड़ी, साड़ी पहनने से भगवान शिव और माता पार्वती प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। इससे वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है और संतान प्राप्ति की कामना पूरी होती है। चौथा, कांवड़ यात्रा। सावन में कांवड़िया जो शिव भक्त होते हैं कठिन यात्रा करते हैं। वे कंधे कांवड़ टांग कर मीलों पैदल चलकर हरिद्वार और संगम तट जाते हैं, जहां से जल भरकर लाते हैं और सावन शिवरात्रि पर जल फिर से सावन शिवरात्रि पर उस जल से शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। पांचवा, महिलाओं से जुड़ी परंपराएं। सावन में स्त्रियां पेड़ों पर झूले झूलती है और सावन के गीत गाती है। हरियाली तीज और रक्षा बंधन पर स्त्रियां अपने मायके जाती है। ये जानते हैं सावन में सुहागिन स्त्रियां जरूर कर ले ये छोटा सा उपाय, पति पर होने लगेगी धन की वर्षा। सावन का पवित्र महीना इस साल 22 जुलाई से 19 अगस्त तक चलेगी। हर सुहागिन महिला इस महीने में हर पल अपने पति की खुशहाली के लिए कामना करती रहती है, क्योंकि पति से ही महिला का सौभाग्य बना रहता है। हमारे हिंदू धर्म में शास्त्रों में महादेव की पूजा के साथ इस माह के लिए महिलाओं के लिए कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं, जिन्हें करने से उनके पति को करियर में सफलता मिलने के साथ उनका भाग्य उदय होने में भी मदद मिलता है। इन उपायों को करने से उनके पति का भाग्य उदय हो सकता है। स्त्रियों के लिए सावन का महीना बहुत खास माना जाता है। शिव जी के इस प्रिय मास में विवाहित महिलाएं सुहागवती रहने की कामना के लिए भोलेनाथ की और माता पार्वती की भक्ति भाव से पूजा करती है। आइए जानते हैं सावन के महीने में सुहागिन महिलाओं से जुड़े बहुत विशेष आय के बारे में। पहला,
पार्वती जी को हरी चूड़ी चढ़ाए और खुद भी पहने। सावन के महीने में शास्त्रों में महादेव की पूजा के साथ महिलाओं के कुछ विशेष कार्य बताए गए हैं, जिनको करने से देवी पार्वती अत्यंत प्रसन्न होती है और उन्हें अखंड सौभाग्य का वरदान देती है। सावन में चारों तरफ हरियाली छाई रहती है, इस माह का हरे रंग से खास संबंध है। ऐसे में प्रतिदिन विवाहित महिलाओं को हरे रंग की चूड़ियां पहननी चाहिए। पति के करियर में सफलता प्राप्त करने के लिए हरी चूड़ियों का दान करना चाहिए। ये दान आपके लिए बहुत ही सौभाग्यकारी साबित होगा। इसके साथ यदि आप माता पार्वती को हरी चूड़ी चढ़ाएगी तो ये आपके पति के लिए विशेष रूप से लाभदायक होगा। दूसरा, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। काले तिल मिलाकर आपको एक पात्र में जल भरकर रखना है और उसे सुबह स्नान करना है। स्नान के बाद आपको जल के लोटे में 2 चम्मच कच्चा दूध डालकर महादेव को अर्पित करना है। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर ले। ये उपाय आपको सावन में कम से कम 15 दिन तक करना है। इससे आपके पति को नौकरी में तरक्की के योग बनेंगे। तीसरा, शिवालय में घंटा और भस्म दान करें। सावन के महीने में घंटों का दान शिवालय में करने से सभी आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। भोलेनाथ को भस्म का श्रृंगार करने से भी करियर में आ रही रुकावटें दूर होती है। बांस का बना पात्र भस्म रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बांस के पात्र में भस्म दान करने से जीवन के अपार सफलता की प्राप्ति होती है। आपके घर में सावन के महीने में खासकर ये ध्यान रखें कि पति और पत्नी आपस में कलह कलेश न करें। संध्या के समय भगवान भोलेनाथ के समक्ष दीप जलाएं और उसमें एक हरी इलायची डाल दें। आपके घर में सुख समृद्धि के साथ साथ धन धान्य के भी योग बनेंगे। चौथा, पति पत्नी मिलकर रुद्राभिषेक करें। सावन के महीने में रुद्राभिषेक करने से भी आपको भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त होगी। भोलेनाथ का पूजन करना सबसे अत्यंत लाभकारी उपाय है। पंचामृत से भगवान भोलेनाथ का जप करने से बहुत लाभ मिलता है। इसके अलावा सावन के माह में आपको पेड़ लगाने से भी करियर में वृद्धि मिलने के योग बनते हैं और जीवन की नकारात्मक दूर होती है। सोमवार के दिन महिलाएं भगवान शिव के मंदिर जाने से पहले एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल केसर और तिल एक मिश्रण तैयार करके शिवलिंग पर अर्पित करें। यदि ये उपाय पति पत्नी मिलकर करेंगे तो नौकरी के लिए फलदायी होगा और धन के मार्ग खुलेंगे। इस प्रकार भगवान शिव की कृपा पाने के लिए और पति के उज्जवल भविष्य के लिए सुहागिन स्त्रियां यदि इनमें से कोई भी उपाय आजमाएगी तो अव्यय सफलता मिलेगी। अगर आपको यह उपाय अच्छा लग रहा हो तो इसे शेयर जरूर करें व किसी तरह के और उपाय जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो एक बार बोलिए, प्रेम से शिव जी की जय, माता पार्वती की जय।